सरवाई तहसील के पथरिया थाना क्षेत्र में रहने वाली गुलाबबाई आज जनसुनवाई में जहर लेकर आई और सौतेले बेटे द्वारा हड़पी जमीन का कब्जा दिलाने की मांग की है। गुलाब भाई कहाँ से आई हो? सायपुर से, ग्राम सायपुर। अच्छा, तो काय के लिए आई हो? 3 बीघा खेत मुझे दिया था तो मेरे पति ने, 21 बीघा सौतेले लड़का है भाई बगल में, तो वो ग्राम 3 बीघा को मुझे नहीं खन दे रहा। मेरा ही कब्जा है 40 साल से, जीवन से ही है वो, तो अगर वो इतनी मेहनत हो रहा रात के हकवा दी और सोयाबीन भर लेगा तो ना भाई मिलो तो और जब वो भी तो वे भी भर लेगा। अब क्या चाहती हो तुम? अब हम लोग खेत रोके वो 3 बीघा और नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो हम तो जिन्हें भी मार रहे हैं, हम भी मर तो कलेक्टर साहब भी नहीं सुन रहे, थाने वाले भी नहीं सुन रहे, थानेदार ने लंबी रिश्वत ले लाई, गाड़ी गिल्ला दाए वो भगा दी भाग गई गई फिर आ रही है। कौन सा थाना लगता है? पता नहीं थाना लगता है। देख लो मैं तो भैया अब मरूंगी, अब नहीं बच रही, मोड़ा मोड़ी ने भी दूंगी और मैं भी खाऊंगी, अब मैं अपना काम और पालूंगी। तुम्हारी जमीन पैतृक की जमीन है? नाम क्या बेटा? हम 4 बीघा जमीन है, पैतृक जमीन है सभी, शादी कम से कम 40-50 बीघा जमीन है। सब भाई पैगी तो महिला है और इनके नाम पे भी भूमि है 0.823 हेक्टेयर और इनकी भूमि को इनके ही सौतेले पुत्र के द्वारा जो है जो कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है और इनका कहना है कि उस भूमि के ऊपर जो इनकी फसल थी उसको उसने नष्ट कर दिया। तो अभी हम मौके पे बंटवारी जी को फ़ोन लगाते हैं, वहाँ के राजस्व निरीक्षक को फ़ोन लगा के बोलते हैं कि इस वस्तु स्थिति की जाँच करें और श्रीमान अनुभागीय अधिकारी महोदय सिरोंज को बोलेंगे इस संबंध में मानवीय आधार पर तत्काल कार्रवाई करके यहाँ पर वरिष्ठ कार्यालय को जो है वो अवगत कराएं और इनकी हम जितनी अधिकतम मदद हो सकती है उतनी मदद करेंगे। ये इनका असल में पारिवारिक मैटर है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा, ये इनकी एक पारिवारिक समस्या ही है कि इनके सौतेले पुत्र के द्वारा ही कब्जा किया गया है, तो कोई दूसरा गांव का व्यक्ति नहीं है। तो इस बारे में हम अभी और जांच विस्तृत जांच करने के पश्चात पूरी बात पता चलेगी, लेकिन ये खुद बोल रहे हैं कि सौतेले पुत्र के द्वारा ही जमीन को नष्ट किया गया, तो कहीं ना कहीं इसमें हमें पारिवारिक समस्या भी अधिक नजर आती है। कितने बच्चे हैं इनके? सर इनके ये अम्मा के रहने के इनके चार पुत्र पुत्री हैं और इनकी जो पूर्व की इनके पति की जो पूर्व पत्नी थी उससे उनके 3 बच्चा-बच्ची हैं। तो इस प्रकार से पूरी जो 2 पत्नियों के बीच और के कारण जो पारिवारिक समस्या है वो भूमि को लेकर।